Hey guys, welcome back to my new blog. यार guys, finally यार अभी बजे सुबह के 7:30 और अपन अभी खड़े हैं खेत में. Guys तो चलिए बिना देरी किए ना जल्दी चलते अपन अपने वर्ल्ड के एंजल वन ऐप में और देखते हैं कि यार कल का मार्केट कैसा था. Guys finally यार अभी बजे हैं 7:32 और अपन जितना देख पा रहे हैं अपना जो कल निफ्टी था 18,593.85 में क्लोज हुआ था. भाई तो अभी अपन आ गए हैं ग्रो ऐप में और भाई ये देखो यार कल मार्केट ऐसा था. अभी अपन प्लान चार्ट देख रहे हैं निफ्टी का और भाई मार्केट ना दिन भर में एक सेपरेट पॉइंट में कंसोलिडेशन में फंसा रहा और अपन इसका लो और हाई देखें तो यार कल का लो 18,582.80 था और हाई 18,600.40 था और इसी के बीच में कल मार्केट कंसोलिडेशन में फंसा रहा और प्रीमियम मेल्ट होते गए. यार अभी अपन आ गए हैं ग्लोबल मार्केट में और आज अपन अभी जितना देख पा रहे हैं यार अभी सुबह सुबह के टाइम में अपने को ग्लोबल मार्केट बेरिश दिख रहा है. यहाँ पर देखा जाए तो मार्केट है तो बुलिश लेकिन जो डेटा दिखा रहा है वो नेगेटिव दिखा रहा है. यार गाइस तो देखा आपने कि यार कल मार्केट ना एक सेपरेट पॉइंट में कंसोलिडेशन में फंसा रहा और ऐसे में ना अपन जो भी ऑप्शन बायर्स थे यार अपन ने यदि अपन अपनी पोजीशन बनाते ना तो जब तो अपना पक्की बात था भाई लॉस ही होता. तो भाई कल तो अपना फाइनली यार अपने खेत में काम था तो अपन ने सुबह मार्केट को देखा ही नहीं. गाइज आज अपन कोशिश करेंगे कि यार आज अपन मार्केट को सुबह 9:15 से एनालाइज़ करें लेकिन गाइज थोड़ा आज भी मुश्किल लग रहा है क्योंकि गाइज अपने यहाँ पे ना आज जैसे भी चलने वाली है थोड़ा सा काम है घर में तो हो सकता है कि अपन आज फिर से 9:15 मार्केट को ना देख पाएँ लेकिन अपन पूरी कोशिश करेंगे कि यार मार्केट को देखें कि आज मार्केट क्या सेटअप बना रहा है और अपन अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करें. ये देखो गाइस अपने घर के जो पीछे खेत है यार उसमें ये जेसीबी चल रही है और यहाँ पर ये रोड निकालने का काम हो रहा है. गाइस ये देखो यार यहाँ पर चल रहा है रोड बनाने का काम. गाइस ये अपने घर के ही के नीचे वाले खेत में ये वाला काम हो रहा है. ऐसी चल रही है जेसीबी और यहाँ से निकाला जा रहा है रोड. वो देखो गाइस वहाँ पर भैया खेत की जुताई कर रहे हैं उस पूरी मिट्टी को. गाइस उस तरफ है से पूरी यहाँ पे एक लाइन बनाई जाएगी. यार भाई तो फाइनली यार अभी बज गया है 10:45 और यार जेसीबी अपना काम कर रही है लेकिन गाइस आज अपन फिर से मार्केट को एनालाइज नहीं कर पाए. चलिए गाइस फिलहाल अपन अब चलते हैं मार्केट में और देखते हैं कि यार मार्केट में अभी क्या मूवमेंट हो रही है. यार गाइस तो अभी बज गए हैं 11:37 और अभी अपन जितना देख पा रहे हैं आज जो निफ्टी है 18,553.80 में चल रहा है यानी कि कल की क्लोजिंग से 39 रुपये नीचे है अभी मार्केट. और चलिए अपन चलते हैं इसके चार्ट में. यार भाई तो अभी अपन आ गए निफ्टी के चार्ट में और अभी 5 मिनट की कैंडल बन रही हैं इसे अपन 3 मिनट का कर लेते हैं. भाई ये देखो यार आज का मार्केट बहुत ही अच्छा था यार. यहाँ कहीं मार्केट आज चालू हुआ है और उसके बाद बना तो अप ट्रेंड था लेकिन काफ़ी देर मार्केट कंसोलिडेशन में फंसा रहा यार. लेकिन करीब 9:40-42 से मार्केट में बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड आया गाइस. यहाँ से देखा जाए तो करीब 9:40 में मार्केट 18,615 के आसपास था और यार यहाँ से एक लॉन्ग बेयर स्कैंडल बनाया गाइस मार्केट और उसके बाद फिर से मार्केट टेस्ट करने के लिए ऊपर गया और उसके बाद से बहुत अच्छा गाइस डाउनफॉल आया है. मार्केट कंटिन्यू 1865 तक आया 70 तक आया और उसके बाद फिर से लोअर लो बनाते 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 और फाइनली मार्केट आज का लो बना लिया 18,540 रुपये. यार गाइस तो यार फाइनली यार मार्केट आ गया नीचे और आज सुबह अपन जब मार्केट को देख रहे थे कल जो मूवमेंट हुई थी उसे एनालाइज कर रहे थे तो यार अपन ने ग्लोबल मार्केट में भी गए थे और ग्लोबल मार्केट अपने को सुबह ही ट्रेंड तो बुलिश दिखा रहा था लेकिन यार जो डेटा मिल रहा था कलेक्ट हो रहा था यार वो नेगेटिव था. तो अपने को कहीं ना कहीं लग तो रहा था कि यार मार्केट खुलेगा तो नीचे आएगा. यार जब तक 9:10 ना हो जाए और निफ्टी की अपने को कन्फर्मेशन ना मिल जाए तब तक अपन अपने सेटअप नहीं बना सकते हैं. लेकिन गाइस फाइनली यार मार्केट तो अभी आ गया नीचे और अभी अपन जितना देख पा रहे हैं यार मार्केट लोअर लो बनाते बनाते आया है और अभी काफ़ी हद तक मार्केट साइड बेस है. और ऐसे में ऐसा तो नहीं गाइस मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि यार ऑप्शन बायर्स के ऐसे में पैसे नहीं बनेंगे. आज ना भाई जो भी ऑप्शन बायर्स ऑप्शंस को बाय किया होगा पुट में यार उनके आज अच्छे खासे पैसे बने होंगे क्योंकि आज जो मार्केट नीचे उतरा था तो अच्छी खासी वॉलीटिलिटी के साथ उतरा था.
तो ऐसे में TTD के लगता है लेकिन कम लगता है और ऑप्शन बायर्स के पैसे बनते हैं। लेकिन अभी जो मार्केट की स्पीड है, जो अपट्रेंड बना रहा है और जो मूवमेंट हो रही मार्केट में यार, वो काफ़ी कम है। और ऐसे में प्रॉफिट तो होगा यदि अपट्रेंड मार्केट ऊपर जाएगा और अपट्रेंड बनेगा तो यार प्रॉफिट तो होगा, पर जितना अपने को मिलना चाहिए, यदि अपन एक लॉट से ट्रेड ले रहे हैं तो अपने को जितना प्रॉफिट होना चाहिए ट्रेंडिंग मार्केट में, यार उतना प्रॉफिट तो नहीं हो पाएगा। तो भाई यार आज भी अपन ने मार्केट को एनालाइज़ नहीं कर पाए और आज भी अपन अपने प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट नहीं कर पाए। लेकिन भाई अगर अपने मानना था कि यार यदि अपन ने ऐसे टाइम में अपन ने पोजीशन को बाय किया होता तो हो सकता था कि शायद आज भी अपने को लॉस होता, क्योंकि यार अपना मानना है कि यार 9:30 से 9:30 के बीच अपन अपने ट्रेड को कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट और लॉस को। लेकिन भाई आज जो मार्केट डाउन ट्रेंड बनाया है यार, वो करीब करीब 9:40 के आसपास से बनाया था, तो हो सकता था कि यार भाई अपने को शुरुआत के 10 से 15 मिनट में 200-400 का प्रॉफिट हो जाता। लेकिन ये भी हो सकता है कि यार अपने को शुरुआत के 10 से 15 मिनट में 200-400 का लॉस भी हो सकता था। तो यार भाई फाइनली यार मेरी आज की वीडियो में सकता है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।